शादी के शाम में बाजार निकले हैं तो बाजार में जो दुकानदार लोग हैं आशा रखते हैं कि हमारा कुछ बिक्री हो, तो कुछ बिक्री करा दिया जी। कर दिया, दुकान खुलवाई, उजाड़ रहा था, उजाड़ने नहीं दिया। हाँ नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की, जहां पर गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। हर दिन शाम में जो है वो सैर सपाटा के लिए लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने आवास से निकलते हैं और पटना की सड़कों पर जो है वो घूमते हैं। और इसी क्रम में आज शाम देर शाम जो है वो लालू प्रसाद यादव जो है वो पहुंचे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर, और जहाँ पर लालू प्रसाद यादव के लिए फल की खरीदारी करते हुए नजर आए अब्बू दुजाना। हमने उनसे कई सवाल भी किए और साफ तौर पे लालू प्रसाद यादव का कहना है कि गरीबों को भी आशा रहती है, फल दुकानदारों को भी आशा रहती है कि उनके फल की बिक्री हो, हम आए हैं उनकी बिक्री जो है वो बढ़ाने के लिए। और साथ ही इस बात का जिक्र किया कि उनके कार्यकाल में जो है ये फल मंडी को जो बढ़ाया गया था, बनाया गया था, और एक वक्त ऐसा आया कि इसे इन फल दुकानदारों को उजाड़ने की बात चली तो हमने ही उजाड़ने से बचाया। बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव, आगे आप वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। सर फल लेने के लिए निकले बड़े दिनों बाद, आजादी की शाम, आजादी के शाम में बाजार निकले हैं तो बाजार में जो दुकानदार लोग हैं आशा रखते हैं कि हमारा कुछ बिक्री हो, तो कुछ बिक्री करा दिया जी और फल ले लिया। सब्जी और फल दोनों महंगे हो गए, आप हमेशा से आवाज उठाते रहे, भिंडी का दाम बताते रहे हैं। सब्जी का ही जाता है वहाँ, तो सब हम लोग देख कर लेते हैं। ये फल मंडी आप ही के द्वारा बसाया गया था सर, और यहाँ के लोगों का खूब प्यार है, अक्सर कहा करते हैं, आपका जिक्र करते हैं, लालू जी ने हमें रोजगार दिया, दुकान खुलवाई, उजाड़ रहा था, उजाड़ने नहीं दिया। हाँ बीच में टूटने की बारी आई तो आपके बेटे तेजस्वी ने इन लोगों को बचाया था। चलिए हाँ।